स्कूटी ये लेके चलते जहाँ पे सकरी के मैं बैठ हो जाता ना, इतने का तो घिचपिची हो गए यहाँ पे। जब ब्याह पे गए तब तो ऐसे लगे चार पहिया की गाड़ी करके मन तो खुद की ये जाने कितने का बड़े रही से खानदान थे। तो सुनो पिछली साल आए थे तब देसी घी को जो दपड़िया पे थे गेबल लेके आए थे, तुमने कहा दे दो बिना मैं मां का है 500 रुपया को डिब्बा आयो तो और तुमने 200 पट्टी पकड़ा दे थे बस से। मैं बात करूंगी जीजा जी से फोन लगा के देखे कैसे नहीं आ देंगे। अरे लाली क्या करेगी फोन लगा के, बेजेटा नहीं आगे गई फोन से बात कर ले। मैं तो जिनते के आती है गई, अब तू के देख ले शायद आ जाए तो आई जाए। आज कौन तो चोले चंदो सवेरी सवेरे फोन पे बैठ के नहीं जी जी कराऊ बात ना चुगले कर रही तुम्हें तो हमेशा भूल चुगले दी सके लो बात कर लो मेरी छोटी बहन बात कर देगी कह रही है तुम्हें ते हेलो जी जाजी नमस्ते। अरे नमस्ते सारी जी नमस्ते। तो जी जाजी बुरो खावे ना आ रहे सनूनो पे। अरे साली जी तुम कैसी बात कर रही है, अब बुरो खावे नहीं आ रहेंगे तो कब आ रहेंगे। बस मैं तो तुम्हारे फोन के इंतजार में हो के सारी फोन कर देगी तभी चल दो। अब तुम्हारे फोन आ गए तो बस से हवाला तू तुम्हारे और ना जीजा जी खाली तुम्हारे आ रहे थे काम ना चले वो बेंजी लेके आनी है। अरे तुम्हारी बेंजी का करेंगी आके नहीं बाजेटानी बेसन को गोर कूरो सपेरन देऊ। और हाँ तुम टेंशन करके काम ले रही है मैं आ तो रहे हूँ। अरे ना जीजा जी बेंजी तो लेके आनी पड़ेगी। आओ चलो तुम इतने का ज्यादा जबरदस्ती कर रही है तो मैं ले आतू बहुए। तो जीजा जी फिर आ जाओ तो चलो ठीक है साली जी आ बता प्रेम। ओके जीजा जी आई एम वेटिंग फॉर आपके आने का। राम ढकेली मैं तो है तैयार, अब तू और तैयार है जा हाल जल्दी। अब तो हाल तैयार है गए सारी ने फोन कर दो तई वैसे नहीं जा देखो नाम ले रहे। अब तू चुपचाप तैयार है जा कछु मत के रे, अब तो ससुराल जानो है तो जानो है। ले तो मैं हूँ गई तैयार बस भी मोड़ी मोड़न ने तैयार कर लन दो फिर चल रहे हैं नहीं की नहीं ठीक है तो फिर कर ले मोड़ी मोड़न ने तैयार। तो मैं निकला गाड़ी लेके रास्ते पर एक मोड़ आया मैं उस पे कपड़े छोड़ आया। ए पापा तुम ले चलो
स्पीड पे ताते पहुंच जाए हला मामा के घर। ठीक है लल्लू हला पहुंचा तू तुमने मामा के घर, ऐसे काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलाई थे। पापा मो पैसा दे दो, राखी के कहा भैया के कहा राखी लेके आनी है बांधरे को। राखी को क्या करेगी, पतंग के मंजा खोल ले बामे थे और लपेड़ दे भैया के हाथ में बन जागी राखी। अरे पापा ऐसा थोड़ी ना होत है, पतंग को मंजा पतंग उड़ा दे के कहा होत है कि राखी बांधरे को होत है। अब चलियो बता तो कितने रुपया देने हैं। 1000 रुपया दे दे। 1000 क्यों, 1000 की राखी ला देगी। अरे पापा राखी तो 10-20 की आ देगी, बाकी को मेकअप तो लाना अपने का और मम्मी के का है। मेकअप करके कहा जा रही है, वो बुढ़ापे में हेमा मालिनी बनेगी। पापा मोए कछु ना पते, वो तो तुम मम्मी से बात कर लियो, मोए 1000 रुपया दे दो तो बताते मैं जाऊं। ले जा ले जा, कमा देंगे जब पति पड़ेंगे तुमने। पापा पापा पैसा दे दो पापा। हाँ हाँ अम्मा नी की औलाद तेरी कमी है, तू और ले जाए के नहीं पैसा आ जा। अब तू मोए न्यो बताए तो कौन से राखी और मेकअप लेके आना हो, तू पैसा मांग रहा हो मुँह पैते। अरे पापा मम्मी कह रही है बुआ और फूफा आ रहे हैं और बिन के कहे नमकीन और बिस्कुट लेके आने नाश्ता को, और कल जो नमकीन की पैकेट लेके आयो बाई का सब चढ़ गए पतो ही ना है नमकीन खाते का रोटी। अरे पापा मैं ना खाऊ नमकीन पवकीन, तुम्हें तो खाना सवेरा नाश्ता के सिंह में। अम्बे मेरी सास के मैं खा रहे हूँ एक कटोरी नमकीन ना दे मैं ढंगते, और ऊपर ते भुआ भूपा आ रहे हैं बेकरा रहेंगे खर्चा पानी। ब्याह तो काम में तो पजिए रहे हैं, जाते बढ़िया तो बाबा बन जातो ना तो बढ़िया रहे तो मैं तो। ले जा तू भी मरे। अच्छा पापा तुम्हें तो ना कछु मंगानो। हाँ जा खाए के कहा थोड़ा सा जेल ले आइयो मैं कहा। अरे पापा बाके कहा आना जाना पड़ेगा, तुम्हें ले आइयो शाम को मैं ना जा रहे हो। देखो देखो आजकल की औलाद है, जेरू लाइक ना दे रही तो कल आके दे बैगी जे। मामा मैं आ गए। ए तो आ गए तो काम बैंड बजवा में तुम्हारे कहा के सर पे बिठा रू तुमने। क्यों साले साहब क्या कह रहे हैं तुम लल्लू ते, देख रही है तू ते भैया ने बैठ हुए तक की ना पूछी और शकल सो ऐसी बना रहा की हमेशा गुस्सा ना का भरको रे तू है, और तो हुआ जही आ देगी पत्ते है। अरे जीजा गुस्सा का के कहा है रे, मेरी तो शकल ही ऐसी है क्या करूँ मैं। और जीजा बैसो तुम बैठ गए तो अब क्या पूछेगा तुम ते बैठे हुएगी, तो आदमी बैठो नहीं हुए तो वो बात अलग है, अब तुम खुद ही बेशरम बन के बैठ गए हैं तो अब तुम ते क्या पूछे। ओए चल लो लल्लू हम तो खेल में चल रहे हैं काम में। हाँ चले रे चले, ले जा लाली और ले देंगे जाए और खिला लियो। अरे भैया तुम सब बातन ने छोड़ो, तुम राखी बनवा लेऊ लेऊ। ले जा राखी बांधवे की पड़ी है और जे चाय नाश्ता तक की ना पूछी। का यार जीजा तुम गत्ते भूखे नंगे चले आए का चक्कर हुए, थोड़ी देर इंतजार करो गयो हमोड़ा लेबे के का है अबाल मिन जागी तुमने चाय नाश्ता। अच्छा वो अपना मोड़ा भेजो तुमने, वो तो बहुत निकम्मो है, वो बड़ो आ रहो हाल लेके वो तो कल तक आवेगो लेके नहीं तो उनका काम भूखे बैठे रहेंगे जटानी। अबे यार जीजा तुम्हें पते ना है भूखे भंडारी चले आते गत्ते। अरे भैया तुम हाथ आगे करो राखी बनवाओ तुम। सही है बांधा तू राखी, मैं तो जा रहा हूँ जते मेरी को इज्जत ही ना है जटानी। और बस सारी ने नोता तो ऐसे दियो और जगत दर्शन ना दीस रहे वाके। अबे यार जीजा का जीजा हो यार तुम। ले बहन तू राखी बांधे। ठीक है बहन 100 रुपया दे देंगे हवाल। ओके भैया। अरे यार कैसे भाइयों तुम पैसे देने के नाम पे कंजूसी कर रहे हो, पैसा दे दे के नाम पे कंजूसी कर रहे हो। अगर हमारी बहन होती ना तो मैं 1000 रुपए से कम नहीं दे तो आके कहे। और एक अज्जे होशियार है 100 रुपया लेवे के कहा तैयार हुएगी और 400 रुपया को मिठाई को डिब्बा ले आई। जी जा तुम्हारी शकल ही लग रही है, 400 रुपया वाला डिब्बा ला देगी, 2 रुपया कच्चो ना कर सकते तुम। 400 रुपया को डिब्बा तो तुम अबाल ला के दे दे रहे हमारे कहा है, और दाइके की मिठाई ऐसी लेके आए होंगे सड़ी सड़ाई और बात कर रहे हो 400 रुपया की। अच्छा तुम्हारी शकल बन रही होगी ताजी घेवर कायबे ला के, तुम्हारा मुँह है पैसो तुम्हारे कहा घेबर लेके आ गए हैं, और साले साहब तुम्हारी इतनी औकात ना है कि तुम 400 रुपया किलो वाला घेवर खा सके, और लेकिन फिर मैं 400 रुपया किलो वाला लेके आया हूँ और तुमने बात कर दी अपनी बहने 100 रुपया दे देगी। अच्छा तो तुम मिठाई लेके आते तो तुम्हारे का विदा में पैसा ना मिलता। नहीं तुम बहुत ज्यादा दे देते ना
मोह मत कुलवाऊ, तुम खून दे जो होगी ते देखी जावेगी। हे डारो आज तुम काय के कहा चुप बैठे हो, मन तो तुम अपनी बेइज्जती करवे के कहा जीजा बनाएंगे तो करो बेइज्जती। तो सुनो पिछली साल आए थे तब देसी घी को जोधपुरी यहाँ पे थे गेबल लेके आए थे, तुमने कहा दे दो बिना मैं माँ का है 500 रुपया को डिब्बा आयो तो और तुमने 200 रुपट्टी पकड़ा दे थे बस से। ऐसो जीजा जे बात तुमने मोते तो कह दी है लेकिन हमारी बहुते मत कह दियो, जे 100-200 रुपया मिल जाता ना है बेऊ नहीं मिलेगा तुमने वो बहुत खराब हो रहा है। तो बोल दो परे मैं का ड्रपत तोड़ी हूँ तुम्हारी बहुते, तुम होंगे अपनी बीबी के गुलाम, मैं ना आया तो कहू को कह दे बिन्नू तो पता चलना चाहिए का कितना नुकसान हो तो हमारे यहाँ आबे पे ए साबू ना लगा सका तो तुम्हें इतना नुकसान हो तो हमारे। ऐसो जीजा अब तुम्हें साब लगवाई रहे हैं तो तुम जोड़ो फिर, तुम 400 रुपया को गेबल लेके आए हैं तो 100 रुपया बाल में दे दूंगा रावण के लिए और 350 रुपया बिदा में दे देंगे, 350 और 100 कितने गए 450 तो 50 रुपया को फायदा ही है वो ना। तुम आयो जाना का नुकसान हो मुझे बताऊ। अब सुनो मेरे मुँह खुलवाई रहे हैं तुम तो सुनो मेरे 300 रुपया की एक तरफ पे पेट्रोल पचते है तो दोनों तरफ के कितने गए 600 रुपया और 2 दिन को मेरे काम मारो जातो है तो 800 रुपया के हिसाब से 2 दिन के कितने रुपया भाई 1600 रुपया है गए 1600 जी और 600 रुपया किराए वाए कितने है टोटल 1600 और 600 जी है गए जीजा 2200 ठीक है देख लिया 2200 रुपए का नुकसान करके आता हूँ और मुझे मिलता क्या है। अरे यार जीजा तुम का यहाँ शार्क टैंक में आयो सो इतनी इक्विटी लग रही है इतना हमारा रेंट लग रहा है सब चीजें मुहैया गिना दोगे क्या सब अरे रुपये ने मोते ही निकाल ले लेंगे का तो मैंने तुमन ते कछु कही का तुम्हें चिल्लावे लगे का कैसो गेबल लेके आए हैं चुपचाप खा लेते तो काय के काय दिक्कत होती। अरे यार जीजा मैं तो तुम्हारे सार हूँ तो मैं तुमन ते मजाक ना कर सका तो का जीजा जी आ गए। अरे साली जी जब ते कांटा नहीं है तो मैं मेरा मनु नहीं लग रही हो जीजा जी अब आ गई मैं अब कोई दिक्कत नहीं होगी तुमने ठीक है सब मिलता जा वीडियो के अगले पार्ट में अगर तुमने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दियो तो प्यारी सी कमेंट कर दियो और चैनल पे नए हो तो चैनल कर लियो सब्सक्राइब मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए जय जय।